प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में एक साथ होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों का प्रचार करने राज्य के दो दिवसीय दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को पुरी में रोड शो किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। रोड शो के बाद उन्होंने ओडिशा के कटक में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आपका उत्साह और आपका जोश ये दिखा रहा है कि 25 साल बाद ओडिशा नया इतिहास रचने को तैयार है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में 10 जून को बीजेपी का पहला सीएम शपथ लेगा, ये तय है। साथ ही तीसरी बार मोदी की सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, ये भी तय है। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं, हमारे नौजवान जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो तो उमंग से भरे हुए नजर आ रहे हैं। आपका उत्साह, आपका जोश ये दिखा रहा है कि 25 साल बाद ओडिशा नया इतिहास रचने जा रहा है। ओडिशा में 10 जून को भाजपा का पहला सीएम शपथ लेगा, ये तय है। और आपके आशीर्वाद से तीसरी बार मोदी सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, ये भी तय है। भाई और बहनों, कटक देश के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहां इतिहास भी है, विरासत भी है। यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उत्कल गौरव, मधुसूदन दास, उत्कल मणि, गोपबंधु दास, उत्कल केसरी, हरे कृष्ण महताब, ऐसे अनगिनत महानुभावों की प्रेरणा है। ये आधुनिक शिक्षा की नगरी है।